तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाबा हमने अचार के लिए नींबू निकाल लिए, गोकुलधाम वासियों को भी नींबू दे दिए, फिर भी इतने सारे नींबू बच गए, इनका क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है मार्केट में ये नींबू हम लोग बेचेंगे, वो भी मार्केट से सस्ते दामों। हाँ बरोबर है, पैसे भी फ्री मिले हैं, जो भी पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट ही है ना। लेकिन बेचेंगे किसे? मीका मिंटे, सुनीता को फोन करते, वो सारे नींबू खरीद लेगी। कमाल है माधवी, कोल्हापुर से कब आएगी सुनीता और कब नींबू खरीदेगी? सुनीता कोल्हापुर गई है, मुझे नहीं बोला। अरे जब से अविनाश की ट्रांसफर हुई वहाँ पे, दोनों वहीं पे सेटल हो गए ना। आहो मैं मेरी बहन की बात नहीं कर रही हूँ, सुनीता सब्जी वाले की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा तुम अपनी बहन सुनीता की बात कर रही हो। लेकिन ये मस्त आइडिया है, सुनीता को सस्ते में नींबू मिलेंगे ना तो उसको भी फायदा होगा। लगाओ लगाओ फोन लगाओ। हाँ मतलब फोन कुछ गला है। स्पीकर पे रखो। हाँ हाँ माधवी वहीनी बोला। आपके पास नींबू है क्या? नहीं है। आपको नींबू चाहिए तो बैंक में जाओ, आजकल वही मिलते हैं ना नींबू। सुनीता 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 ना सुनीता सुनीता, अरे ग्राहक को जाने मत देना, नींबू है उनको बोला नींबू मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा वहीनी, नींबू तो मेरे पास नहीं है। अरे पर हमारे पास है ना नींबू, तो ग्राहक को आपके पास भेज दो। नहीं नहीं तुम उनको हमारे पास मत भेजो, तुम हमसे नींबू खरीद लो। हमसे नींबू खरीदो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए नींबू, आजकल कीमती नींबू रखना ना बहुत रिस्की है, वो चेन स्नैचिंग की जगह नींबू स्नैचिंग चल रहा है, हर जगह ना नींबू चोर घूम रहे है। हाल तुम्हें थोड़े से नींबू के लिए जान जोखिम में क्यों डालू? अरे थोड़े नहीं सुनीता, हमारे पास चार चार गोनी भर के नींबू है। क्या इतने सारे नींबू? माधवी भाभी यहाँ 10-12 नींबू के लिए इतना राड़ा हो रहा है और आप लोग घर में नींबू की खाल लेके बैठे हो। अगर नींबू चोर को पता चल गया ना तो आपके घर चोरी हो जाएगी। सारे नींबू मत रखो, निकाल दो निकाल दो। अरे इसीलिए तो तुम्हें बेच रहे, तुम खरीद लो ना। कोनो नहीं नहीं मुझे नहीं खरीदने नींबू, अभी यहाँ बहुत सारे ग्राहक है और ज्यादा मैं नींबू की बात करेगी ना तो आपके घर ही चोरी हो जाएगी। मैं फोन रखती है। हाँ क्या दो आपको? ए, इसने तो डरा दिया हमें। माधवी लगता है बाहर सिचुएशन बहुत खराब है, ये नींबू जल्द से जल्द निकालने पड़ेंगे। हाँ पर इसे निकालेंगे कैसे, कहाँ बेचे, किसको बेचे? हाँ का फोन करते मला। हाँ बोलो सोड़ी। मुबारक लख लख बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस द सेलिब्रेशन। मुबारक सोड़ी, तुमने किसको फोन लगाया? हैं पिड़ू को। पिड़ू, तू पिड़ू ही बोल रहा ना? हाँ ओहे तो मुबारक, कांग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन। किस बात की मुबारकबाद? तेरी लॉटरी लग गई ना इस बात के लिए। लॉटरी? कैसी लॉटरी? ओए नींबू वाली। तो तुम्हें कैसे पता चला? ओए रोशन सिंह सोडी के जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। ओहे मैं मजाक कर रहा हूँ पिड़ू, और मैनू रोशन डार्लिंग का फोन आया, उन्हें मैनू दस्या, तो मैंने सोचा चलो भाई पिड़ू को मुबारकबाद दे दूं। अरे काहे की मुबारकबाद सोड़ी, इतने सारे नींबू एक समझ भी नहीं आ रहा कैसे बेचूं। चाहो क्या मिनट, एक मिनट सोड़ी, उनको पूछे ना कि उनके पहचान में कोई है जो नींबू खरीदे। अच्छा सोड़ी, तुम्हारे पहचान में कोई है जो इतने सारे नींबू खरीद सके? पिड़ू मैं मैकेनिक हूँ, मेरा गैराज है, वो गड्डी होती तो यूं स्किंटों में बिकवा देता। तो यार नींबू के लिए तू किसी भाजी वाले को पकड़ना। अरे मैंने फोन किया था, वो अपनी सब्जी वाली है ना सुनीता, उसको फोन किया था हमने लेकिन उसने मना कर दिया खरीदने से। ओ पिड़ू वो इतने सारे नींबू तुझे भेजे किसने? वो तो पता नहीं है ना भाई, अभी इतने सारे नींबू घर पे भी नहीं रख सकता। वो अचार डाल, मेरा मतलब है अचार बना के बेच। अरे इतने सारे नींबू है कि उनका अचार बनाने में 6 महीने लगेंगे भाई। अरे इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पहचान में कोई है कि नहीं।
मीडू मेरी पहचान में या तो लस्सी पीने वाले हैं या फिर पार्टी शार्टी करने वाले। भाई दही चकना या सोडा होता तो अभी बिकवा देता। लिंबू बेचना थोड़ा मुश्किल है यार। ठीक है भाई सोड़ी। ओए पिडू, ओ तू दिल छोटा ना कर। Why fear when छोटी is here? ओ मैं पता लगाता हूँ, कोई लिंबू खरीदने वाला हो तो इमीडिएटली तुझे कांटेक्ट करता हूँ। ओके रब रखा। हाँ ठीक है सोड़ी, इसके पहचान में भी कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। जब तक ये नींबू घर में रहेंगे ना, सिर पे टेंशन बना रहेगा। हाय करो कड़तस नहीं है। बाबा शांत, टेंशन न का क्यों? हाँ हो, टेंशन लेने से अच्छा हम लोग ये सोचते हैं कि किससे मदद ले सकते हैं वो सर। पोपटलाल, पोपटलाल से बात करता हूँ। वो जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाला था, उसके पास जरूर डिटेल्स होंगे। नींबू के जमाखोरी पर आर्टिकल की क्या हेडलाइन हो सकती है? हाँ, नींबू के जमाखोरों को होनी चाहिए जेल। मजा नहीं आया, हेडलाइन तड़कती फड़कती होनी चाहिए। नींबू के जमाखोरों को जमा करो जेल में। नींबू के जमाखोरों को जेल में जमा करो। क्या बात है, मजा आ गया। हाँ पोपटलाल, जरा तुमसे एक अर्जेंट काम है। अरे भाई अभी मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो पोपटलाल? अरे तुम बहुत काम के आदमी हो भाई, बहुत बड़े पत्रकार हो, 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार हो तुम। तो वो पता है मुझे, मैं ये कह रहा था कि अभी इस वक्त मैं तेरे किसी काम का नहीं हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ। हाँ तो वो काम छोड़ दे। तो छोड़ देता हूँ भाई, तू सैलरी दे दे, तेरा काम करता हूँ। बोल कितनी सैलरी देगा? अरे मैंने काम छोड़ने को बोला पोपटलाल, मैंने नौकरी छोड़ने को नहीं बोला है। मेरा काम बहुत छोटा सा है भाई, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। अच्छा तो बता बता जल्दी बता क्या काम है। हाँ मुझे ना तुमसे कुछ डिटेल्स चाहिए। अरे वाह भेड़े, तू मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है? लड़के वालों को डिटेल्स दे दिया ना। ले, हाइट 5 फीट 11 इंच। इसकी शादी की ट्रेन निकल पड़ी। वेट 67 किलो। सैलरी 5 फिगर। पोपटलाल, मुझे तुमसे डिटेल्स मतलब मुझे नींबू खरीदने वालों के डिटेल्स चाहिए। भीड़, तूने कब से नींबू बेचना शुरू कर दिया? अरे लंबी कहानी है पोपटलाल, बाद में बताता हूँ। तुम्हारे पास डिटेल से तो भेजो ना मुझे, मेरे पास 3-4 गोनी भर के नींबू पड़े हैं। क्या भीड़, तू नींबू की जमाखोरी कर रहा है? शिक्षक होकर ऐसा गलत काम कर रहा है? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जमाखोर कहीं का, बात मत कर मुझसे, रख फोन। अरे पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई, मैंने कोई जमाखोरी नहीं की है। वो तो किसी ने मेरे नाम पे भेजे घर पे। किसने भेजे इतने सारे नींबू? वो नहीं पता भाई, लेकिन मेरे नाम पे नींबू आए हैं, इसलिए मैं बेचना चाहता हूँ। ओ भाई ओ भिड़े, तू ऐसे ये नींबू नहीं बेच सकता, ये इल्लीगल है। तुझे ये सारे नींबू पुलिस के हवाले करने पड़ेंगे। अरे इल्लीगल कैसे हो गए? मेरे नाम पे मेरे घर पे नींबू आए तो मैं कुछ भी करूँ नींबूओं का? अच्छा तो कल को तेरे नाम पे तेरे घर पे गन्स आएंगे तो तू उन्हें भी ऐसे बेचेगा? अरे नहीं 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 भिड़े, मैं तुझे ऐसा गलत काम नहीं करने दूंगा। मैं पत्रकार हूँ, समाज का चौथा पिलर हूँ। अरे ओ पिलर, अरे गन कहा नींबू कहा, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? काय म्हणता है? तुझ बोल। पोपट भौजी देखिए, हम लोग बहुत परेशान है, ये जबरदस्ती की मुसीबत हमारे गले आ पड़ी है, इसलिए हम लोग ये नींबू सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं। हाँ पोपटलाल, अगर मुझे जमाखोरी करनी होती ना तो मैं ब्लैक में बेचता नींबू। पोपट भौजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, ये सारे नींबू हम लोग बेचना चाहते हैं, तो इसे बेचने में हमारी मदद कीजिए ना, इसे छुटकारा चाहिए हमें जल्दी। अच्छा अच्छा बताइए माधवी भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे पोपटलाल, तुम्हारे पास वो होंगे ना जमाखोरी करने वालों के नंबर, उनमें से 1-2 नंबर दे दो, ये सारे नींबू उनको ही बेच देते। तो भाई वो भीड़े, क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब वेंडर्स, वेंडर्स जो भाजी बेचते है उनके नंबर दे दो, उनको बेचते है नींबू। भीड़े भाजी वाले का नंबर मेरे पास कहाँ से मिलेगा भाई? तू अगर किसी मैरिज ब्यूरो वाले का नंबर मांगता तो मैं दे देता, लेकिन ये काम मुश्किल है। और हाँ भीड़े, आओ सुन, ये तू ये बहुत सोच समझ के ये काम करना, ये पुलिस की नजर चारों तरफ है, ढूंढ रहे जमाखोरों को, अगर गलती से किसी ने टिप दे दी ना तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। ऐसे किसी को भी मत बेचना, किसी पहचान वाले के थ्रू ही डील करना। अरे लेकिन कोई पहचान वाला होना तो चाहिए ना। अरे है ना? कौन? जेठालाल। अरे लेकिन वो सब्जी थोड़ी बेचता है पोपटलाल। अरे भिड़े मेरी बात मान, तू जेठालाल से बात कर, वो व्यापारी है, वो चुटकियों में तेरे नींबू बिकवा देगा। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ थैंक यू पोपट भौजी। अरे ठीक है ओके 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 ओके।
लावा ना फोन जेठा भाई ना। अरे सास तो लेने दो माधवी। हाँ। घेऊन। हाँ बोल बेड़े। हाँ जेठालाल तुमसे जरा काम है। अब क्या हुआ? अरे वो मेरे पास जो नींबू है ना वो मुझे बेचने है। भाई मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि बेच दे, तभी तो मुझे बोलने लगा कि अरे मैं व्यापारी नहीं हूँ भाई, मैं कैसे बेच सकता हूँ। अभी शिक्षक में से अचानक कैसे व्यापारी बनने का शौक जाग उठा? लालच पैसा चीज ही ऐसी है दोस्त, अच्छे अच्छों के सिद्धांत हिला देता है। चल खैर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, अच्छा निर्णय लिया तूने। बेच दे सारे नींबू बेच दे और रोकड़ी कर ले। हाँ इसीलिए तुमको मैंने फोन किया जेठालाल। क्या है मैं एक शिक्षक हूँ, व्यापारी तो हूँ नहीं, व्यापारी तो तुम हो, तुम्हारे पास सालों का अनुभव है। एक मिनट तू क्या कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नींबू खरीद लो, मैं मार्केट से सस्ते भाव में तुम्हें नींबू बेचूंगा, फिर तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के मार्केट में बेचो नींबू। मतलब अभी मैं ये टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन वो सब छोड़ के दुकान में से नींबू बेचने लगूं है? अरे दुकान में मत बेचो, दुकान के बाहर ठेला लगा के बेचो। मगन और बागा को बोलो वहाँ पे खड़े रहके बेचे नींबू। अरे बागा या मगन को किसी ने ऐसे नींबू बेचते देख लिया ना तो मार्केट में बात फैल जाएगी कि भाई ये जेठालाल का इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा चल नहीं रहा है तो अभी वो नींबू बेचने पे आ गया है। हाँ तो एक काम करो ना, सारी नींबू गोडाउन में रख दो और मगन को बोलो गोडाउन के बाहर खड़ा रहे, और उसको बोलो जैसे ही कोई सब्जी की थैली ले जाते हुए दिखे उसको जाके चुपके से पूछे नींबू चाहिए, और जैसे वो हाँ बोले उसको गोडाउन में लेके जाए और नींबू बेचे। अच्छा मान ले कोई पुलिस वाला ड्यूटी के बाद सादे कपड़े में सब्जी की थैली लेके वहां से निकला और मगन ने उसको पूछा नींबू चाहिए क्या, तो हाँ तो पुलिस तो यही समझेगी ना कि मैं नींबू की जमाखोरी कर रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो जेठल, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे नहीं होता क्या, ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्यों? बहुत पहले एक बार ये प्याज भी नींबू की तरह महंगे हो गए थे ना, तब वो बाघा ने ऐसे गोडाउन में प्याज रखे थे। जेठालाल मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। साहब माफ कर दो साहब, मैं थोड़ा लालची हो गया था। मेरी बहन ने मुझे समझाया था साहब, लेकिन मैं महंगे प्याज बेचकर थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, माफ कर दो साहब। आप लोगों ने कानून का साथ दिया, इसके लिए कानून आपको धन्यवाद करता है, अब आप लोग जा सकते हैं। बाल बाल में जमाखोरी के इल्जाम में जेल जाने से बचा था तभी। तो अभी तुम ही बताओ मैं क्या करूं जेठालाल, इतने सारे नींबू बेचूं कैसे? तो टेंशन मतलब मैं काम करता हूँ, मैं बाघा से बात करता हूँ, उसकी पहचान में अगर कोई सब्जी का व्यापारी हुआ ना तो वो एक ही घर में तेरे सारे नींबू खरीद लेगा। अच्छा हाँ तो जरा पूछो उसे, पूछो। नहीं नहीं अभी नहीं पूछ सकता, वो यहाँ है नहीं, वो पेमेंट लेने बाहर गया है। जैसे ही वो आता है मैं उससे बात करके तुझे बताता हूँ, ठीक है? ठीक है जेठा, थैंक यू। हाँ और भिड़े। हाँ भाई जब तक सारे नींबू बिक नहीं जाते जरा सतर्क रहना, ये चोर और पुलिस दोनों का खतरा हो सकता है। अरे हाँ जेठालाल उसी डर से तो आधे दाम में नींबू बेच रहा हूँ ताकि ये बला टले। हाँ जेठालाल बागा को याद से बोल देना भाई, भूलना मत। हाँ पक्का पक्का। बेचारा भिड़े पता नहीं कहाँ से नींबू की मुसीबत उसके गले पड़ गई। देवा ये किस मुसीबत में फंसा दिया हमको? इस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी यही दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बाबा डोंट वरी, सब अच्छा होगा। बागा भाई मार्केट में इतना घूमते हैं ना तो उनके पहचान का कोई ना कोई नींबू खरीदने वाला मिल ही जाएगा, बगा तुम्हें। आदमी मुझे बागा का टेंशन है ही नहीं, जेठालाल का टेंशन है। वो अगर बागा से बात करना भूल गया तो? उन्होंने बोला ना वो बात करेंगे, करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब जब जेठालाल ऐसा बोला है ना काम बना नहीं बिगड़ा है, मैं खुद ही बागा से डायरेक्ट बात करता हूँ ना। बोलिए बोलिए भिड़े भाई। हाँ नमस्ते बागा, एक्चुअली जेठालाल ने मुझे बताया कि तुम काम में हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना। कोई बात नहीं भिड़े भाई बोलिए ना। अच्छा बागा तुमसे जरा एक थोड़ा सा काम था। हाँ बोलिए क्या भेजूं, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, और अभी तो हमारे यहाँ मस्त स्कीम चल रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीदी पर एक नींबू का हैम्पर फ्री।
और एक हैम्पर में कम से कम आपको 15-20 नींबू मिलेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, पहले बहुत सारे नींबू से हैम्पर हो रहा हूँ। अरे क्या हुआ बागा, आज सुबह सुबह मेरे पास कुछ लोग आए थे और घर पे 4 गोनी भर के नींबू छोड़ के चले गए। 4 गोनी नींबू? अरे वाह भीड़े भाई, आप तो सुबह सुबह एकदम अमीर हो गए। आपको पता है ना, नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ पता है भाई, लेकिन ये 4 गुनी नींबू आपको किसने भेजे? वही तो नहीं पता ना। लगता है कोई जाते जाते आपको नींबू की जायदाद देखकर गया। नहीं नहीं बागा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गया नहीं है, सब सही सलामत है। सॉरी, एक्चुअली आधे गोनी नींबू हमने रख लिए है, 3.5 गोनी नींबू बचे है, वो हमें बेचने हैं, वो भी मार्केट से आधे दाम में। अरे भीड़े भाई, आपको आधे दामों में नींबू बेचने क्यों है? ताकि ये गले में फंसा हुआ जो काटा है ना, वो निकल जाए। अरे भाई, इतने सारे नींबू घर में रखना रिस्की है। मतलब 1 किलो नींबू का भाव 250 रुपए है, तो आप 125 रुपए में बेच रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल, तुम ये नींबू बिकवा सकते हो क्या? अगर मैं भीड़े भाई से आधे दाम में खरीद के आगे मार्केट भाव में बेचूं, तो सेठ जी को जबरदस्त मुनाफा होगा। बागा, ओ बागा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भीड़े भाई। अरे मैंने पूछा तुम ये नींबू बिकवा सकते हो क्या? हाँ बिकवा सकता हूँ, मैं अभी आपके यहाँ आता हूँ और सारे नींबू उठा लेता हूँ। सच में? हाँ हाँ, लेकिन देखिए, जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप ये नींबू किसी को बेचना मत। ये डील आपके और मेरे बीच में फाइनल है। अरे वाह वाह बागा, थैंक यू वेरी मच। मैं फटाफट आपके यहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है? वेलकम वेलकम बागा, जल्दी आओ। थैंक यू। ओ भाई, ये मेरा नींबू पानी कौन पी गया? मुझे क्या पता। अरे कमाल है, लोग नींबू पानी भी चोरी करने लगे। पापा रास्ता निकालेंगे, निकाल भी दिया। नींबू भी बिक जाएंगे और सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे गणपति बापा, ओरिया। गुप्ता जी से जो पेमेंट मिला है उससे भीड़े भाई से सारे नींबू खरीद लूंगा, फिर खरीदे हुए नींबू लेकर गोडाउन जाऊंगा और सेठ जी को सरप्राइज दूंगा। कम टाइम में ज्यादा मुनाफे वाली इस डील से सेठ जी बहुत खुश होंगे, सबासी देंगे। नमस्ते भीड़े भाई। नमस्ते माधुरी भाभी। नमस्ते। आओ आओ तारणहार। कौन मैं? ऑफ कोर्स तुम बागा। अरे तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलें दूर होने वाली है। आइए ना बागा भाई, आइए आइए बैठिए। आओ 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 बागा आओ। अरे सोनू बाड़ा, बागा का साड़ी नींबू शरबत घेऊन ये। हो बाबा। हाँ लाओ बेटा लाओ। कैसी हो सोनू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बस बढ़िया, थैंक यू। वेलकम बाबा। क्या हुआ बागा? नींबू शरबत अच्छा नहीं है? सोनू तुमने शक्कर नहीं डाली? नहीं बाबा, मैंने तो शक्कर डाली है। तो बागा नींबू ज्यादा हो गया है? हाँ हाँ भीड़े भाई, शरबत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आज के जमाने में इतने महंगे नींबू का शरबत तो कोई अपने भी नहीं पिलाते। आप लोग वाकई कितने अच्छे हैं। और एक ग्लास चाहिए? नहीं नहीं बस भीड़े भाई, थैंक यू। मैं ये सारे नींबू ले जाऊं? वैसे बागा, जस्ट एक पूछ रहा हूँ, तुम जिस भी व्यापारी को ये नींबू बेचोगे वो भरोसे वाला तो है ना? मतलब पेमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ भीड़े भाई, पेमेंट आपको अब भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे नींबू मैं ही खरीद रहा हूँ। तुम खरीद रहे हो? लेकिन फिर इतने सारे नींबू बेचोगे कहाँ से? दुकान के बाहर ठेला लगा कर। जितना मान गया, कमाल है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। अरे बाप रे, अगर भीड़े भाई ने सेठ जी को फोन कर दिया तो मेरा पूरा सरप्राइज बिगड़ जाएगा, इन्हें रोकना पड़ेगा। एक मिनट भीड़े भाई, वो सेठ जी अभी आपके साथ बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो
अभी इस वक्त मीटिंग में थोड़े बिजी है तो वो फोन पे किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जेठा मान तो गया ना नींबू बेचने के लिए। हाँ बिड़े भाई, मैं काम करता हूँ, गोडाउन पहुँचते ही आपकी सेठ जी के साथ फोन पे बात करवा देता हूँ बस। हरकत में ये लीजिए बिड़े भाई, ये रहे आपके पैसे। कंपा ने जेठा ने पैसे दे दिए? ऐसा ही समझिए। समझ लीजिए मतलब? नहीं, ये पैसे दुकान के हैं तो सेठ जी नहीं भेजे ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू बागा। वैसे एक बात कहूं बागा, ने नींबू खरीद के ना हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ लगा कर दिया। थैंक यू बागा अंकल, थैंक यू सो मच। वेलकम सोनू, वेलकम वेलकम। तो बीड़े भाई, मैं ये सारे नींबू लेके जाऊं? हां बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुम्हारी अमानत है ये। दोस्तों कई बार लगता है मेरे परम मित्र जेठालाल के भीतर एक चुंबक है जो मुसीबत को अपनी ओर खींचती है। मुसीबत चली आती है कैसी भी सिचुएशन हो। अब देखिए मुसीबत ने आकार ले लिया, अब इससे ज्यादा मजेदार सिचुएशन क्या हो सकती है भाई। देखने वाली बात है कि अब क्या होता है आगे। यहाँ पे बड़ी चटाकेदार और मसालेदार सिचुएशन तैयार है आपको हंसाने के लिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके चेहरों की हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.